दोस्तों आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो KTM के फैंस हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास में जो KTM की ऑल न्यू ड्यूक 390 और ड्यूक 250 आ चुकी है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, इसका प्लेटफॉर्म, इसका इंजन सब कुछ चेंज हो चुका है। तो इन दोनों की बात आज हम डिटेल में करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट आप इनकी प्राइसिंग देख लीजिए स्क्रीन पे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए डिटेल में वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ड्यूक 390 बताऊंगा, फिर उसके बाद कंपेयर करते हुए 250 बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह है KTM की ड्यूक 390 न्यू जो आई है। इसमें हम ब्लू कलर देख रहे हैं, काफ़ी स्टाइलिश लुक इसका पहले से ज़्यादा स्टाइलिश अब हो गया है। यहाँ देखिए हमें फ्रंट में DRLs मिल जाते हैं, यह जो आपको दिख रहा होगा दोनों साइड से, इसमें हमें DRLs मिल जाते हैं। और पूरा जो हेडलैम्प का सेटअप है ये भी LED मिलेगा। ऊपर हमें दो लाइट मिल जाएंगे, नीचे दो मिल जाएंगे, लो बीम हाई बीम। इसका सस्पेंशन देखिए, WP एपेक्स का सस्पेंशन मिलता है, जिसमें हमें रीबाउंड और कंप्रेशन की सेटिंग मिलती है। हम स्टिफ हार्ड सस्पेंशन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इधर भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, कंप्रेशन एंड रीबाउंड हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। नीचे हमें ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी पहले से थोड़ा चेंज हुआ है। और इसका टायर साइज़ मिलता है हमें 110/70 R17। जो इसका डिस्क है, डिस्क अब इस साइड से आ रहा है, उधर से नहीं आ रहा। और डिस्क का साइज़ भी 320mm का डिस्क आ गया है। डुअल चैनल ABS मिलता है हमें सुपर मोटो मोड के साथ में। यहाँ पे रिफ्लेक्टर ट्रीटमेंट मिलेगा। इसका मडगार्ड देखिए, और यहाँ अंदर आपको दिख रहा होगा ये जो इस तरह से कर्व है, ये पूरा इसका रेडिएटर है। लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है हमें इसमें। इसकी सीट हाइट पहले से कम हो गई है और ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है। ये एडजस्टमेंट इन्होंने कैसे किया है, ये एक मतलब शॉकिंग थिंग है कि सीट हाइट कम करते हुए भी जो है ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया है। 183mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस अब हमें इसमें मिल जाता है, और 800mm इसकी सीट हाइट आएगी। और यहाँ पर ये डिज़ाइन देखिए, जो पूरा पहले से ज़्यादा आगे तक जा रहा है, अभी हेडलाइट के भी आगे निकल रहा है यहाँ से। यहाँ पर ड्यूक 390 की बैजिंग मिल जाती है हमें इसके ऊपर। और जिसका चेसी है वो भी चेंज हो चुका है। चेसी का आप यहाँ से देखिए, ये पूरा ऑरेंज कलर में विजिबल दिख रहा है हमें। और यहाँ नीचे KTM लिखा हुआ मिलेगा हमें ये काउल के ऊपर। और यहाँ पहले कोई काउल नहीं आता था, डायरेक्ट सीट के नीचे ही हमें चेसी विजिबल था, लेकिन अब यहाँ पे ये थोड़ा एडिशन किया गया है। पीछे भी जो है एल्यूमिनियम का पार्ट थोड़ा इसके चेसी में एडिशन है। यहाँ पर हमें ग्रैब रेल मिल जाती है बैक पैसेंजर के लिए, ये पिलियन सीट मिल जाएगी उसकी। दोनों भी सीट पे कुशनिंग अच्छी लग रही है मुझे, कंफर्टेबल सीट्स है। और सीट की हाइट आपको बढ़ाने का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है। और देखिए यहाँ पे जो सीट पे हमें साइड में टेक्सचर मिल रहा है, वही टेक्सचर हमें इसमें यहाँ पे भी मिल जाता है। ये थोड़ी छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल्स है इसके डिज़ाइन में। ये देखिए इसका फ्यूल टैंक काफ़ी अच्छी क्वालिटी हो गई है इसकी। यहाँ पर हमें टैंक से अटैच इसमें की नॉब मिल जाता है। यह हमारा TFT डिस्प्ले मिलेगा यहाँ पे। इसके फीचर्स मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। इस साइड में सेल्फ स्टार्ट के लिए इंजन किलर स्विच मिल जाएगा, और क्लच और ब्रेक में भी हमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है यहाँ से देखिए। इसके मिरर्स देख लीजिए स्क्रीन पे, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है उनका भी। यहाँ पे ये जो बटन है ये हेडलाइट कंट्रोल के लिए मिलेगा हमें, और ये हज़ार्ड लाइट बटन मिलेगा। ये जो है इसके TFT डिस्प्ले के कंट्रोल्स मिल जाएंगे हमें पूरे MID के, ये इंडिकेटर, ये हॉर्न। तो आइए दोस्तों ड्यूक 390 का आपको जो TFT डिस्प्ले में बोला था वो बताता हूँ। देखिए हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे लिख के आता है। उसके बाद ये देखिए आप, अब यहाँ से हम इसके MID के कंट्रोल्स में जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें पहले मोटरसाइकिल मिलता है, फिर उसके नीचे हमें राइड मोड मिल जाते हैं, ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें। यहाँ पे सेटिंग में फेवरेट सेट कर सकते हैं हम, जो हमारा मेन डिस्प्ले आता है यहाँ पे, ये चार हम फेवरेट सेट करके रख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या रीडिंग देखना है। फिर से मैं इसके मेनू में आया हूँ। यहाँ पे अब राइड मोड में हमें स्ट्रीट मोड मिल जाता है, रेन मोड मिल जाता है, उसके नीचे ABS में आए तो रोड मोड मिल जाता है हमें, और एक सुपर मोटो मोड मिल जाता है इसके अंदर। सुपर मोटो मोड में देखें यहाँ पे बहुत अच्छा एनिमेशन इन्होंने दिया है। सामने ग्रीन है, पीछे रेड है, मतलब जो सुपर मोटो मोड में हमारा पीछे का ABS है वो बंद हो जाएगा। यहाँ से फिर से मैं इसमें रोड मोड में आ गया हूँ तो वो ग्रीन हो गया है। इधर से बैक किए हम, नीचे आए तो MTC ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है हमें इसके अंदर, और लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है। लॉन्च कंट्रोल में जो है सिर्फ व्हीली कंट्रोल मिलता है हमें। और मैं यहाँ से बैक करूँगा तो बाइक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें पूरी इसके अंदर, फ्यूल टैंक की इन्फॉर्मेशन और बैटरी की इन्फॉर्मेशन, बैटरी कितनी बाकी है हमारी,
उसमें नीचे आए तो ट्रिप इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें। फिर यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा नेविगेशन का जो एक है ये स्किप हो रहा है, क्योंकि नेविगेशन जब आप इसे मोबाइल पे KTM ऐप से कनेक्ट करेंगे तो आप इसमें नेविगेशन भी सेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि राइड मोड में अगर हम हमारा मोड चेंज कर रहे हैं या ट्रैक्शन मोड में मोड चेंज कर रहे हैं तो ये जो इसका अपियरेंस है ये पूरा चेंज हो जाता है, न्यूट्रल हमें यहाँ पे लिख के आ जाएगा साइड में। और अगर हम हाई RPM पे जाते हैं तो हम वो भी सेट कर सकते हैं कि 800 RPM पे ये पूरा ऑरेंज हो जाता है, वो सब सेटिंग इसमें मिलती है। और सबसे मेन चीज़ मुझे ये लगती है कि इसमें स्पीड लिमिटर मिलता है, अगर आपको कुछ स्पीड लिमिट का फिकर हो रोड पर हाईवे पे कि मुझे 80 के ऊपर नहीं जाना है तो आप 80 की स्पीड इसमें सेट कर देंगे तो आप फुल एक्सेलरेशन भी देंगे अगर यहाँ से, तो आपकी स्पीड जो है वो 80 के ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप आपके बच्चे के हाथ में दे रहे हो तो आप उसे 30-40 पे भी सेट कर सकते हैं। ये फीचर मुझे इस 390 के अंदर बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर डिस्प्ले के नीचे देखिए चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है हमें, जिसे अच्छे से कवर किया गया है, बारिश वगैरह में हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उससे। अगर हम पीछे आ जाते हैं तो पीछे भी हमें इसमें लाइट्स पूरा LED मिलने वाले हैं, ये भी हमें इंडिकेटर्स भी LED मिल जाएगा। और यहाँ पे जो इसका टेल लैंप है ये भी LED मिल जाएगा, इसका भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। जो पीछे का टायर है ये पूरा विजिबल मिलता है हमें ओपन। 150 आएगा इसका साइज़, जो इसमें टायर KTM में जिस तरह का ब्रॉड आता है पीछे का टायर वैसे ही आएगा, इधर से साड़ी गार्ड मिलेगा। 230mm का हमें रियर डिस्क मिल जाएगा, डुअल चैनल ABS है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। इस तरह के फुटरेस्ट मिलते हैं हमें। और अब मैं आपको बताता हूँ जो इन्होंने सीट की हाइट कम करके भी इसमें ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया है। तो ये देखिए रियर सस्पेंशन हमें इसमें एडजस्टमेंट के साथ मिलता है, और ये जो है ये सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा साइड में है, जिसकी वजह से इसमें हेल्प मिली है कि सीट हाइट कम होते हुए भी ग्राउंड क्लियरेंस जो है गाड़ी का वो बढ़ जाए। यहाँ से हम इसमें कूलेंट ऐड करने वाले हैं। पहले हमें ड्यूक 390 में 373 cc का इंजन मिलता था, लेकिन अब इंजन साइज़ बढ़ गया है, 398.63 cc का इंजन मिल जाता है हमें, जो 46 PS का पावर और 39 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, जो कि काफ़ी अच्छा पावर है इस रेंज में गाड़ी के लिए एक टू व्हीलर बाइक के हिसाब से। और इसमें हमें जो बैटरी वगैरह मिलती है वो इस सीट के नीचे मिल जाएगी, पीछे फर्स्ट एड किट वगैरह इस सीट के नीचे मिल जाती है। अभी आपको 390 बताया हूँ, अब हम देखने वाले हैं ड्यूक 250 जो न्यू आई है। देखिए थोड़ा डिफरेंस आपको इसके डिज़ाइन में दिख रहा होगा, जो सामने का पैनल है उसका वहाँ पे उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, और यहाँ पे इसका डिज़ाइन जो है थोड़ा उसके कंपैरिजन में सिंपल किया हुआ है। ड्यूक 250 की बैजिंग आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन KTM इसमें यहाँ नीचे जो कवर है वो निकाल के यहाँ पे KTM इधर इसके फ्यूल टैंक के ऊपर लिखा हुआ है, उसी तरह का टेक्सचर हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा। फ्रंट में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें DRLs नहीं मिलते हैं, इस तरह का इसमें यहाँ पे पैनल लगा हुआ है ऑरेंज कलर में, लेकिन हेडलैम्प हमें इसमें भी LED मिल जाएगी, पूरे LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। और सस्पेंशन में जो हमें उधर बताया कि एडजस्टमेंट मिलता है हमें, तो इसके अंदर यहाँ देखिए आप किसी तरह का एडजस्टमेंट हमें 250 में नहीं मिलेगा। टायर साइज़ इसका भी सेम आएगा, 110/70R17 का टायर साइज़ आएगा। अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे हमें, ऑरेंज कलर के डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, 320mm का डुअल चैनल का ABS सुपर मोटो मोड ये सब हमें इसमें भी मिल जाता है। रेडिएटर भी आपको दिख रहा होगा, रेडिएटर भी मिल जाएगा हमें, लिक्विड कूल इंजन मिलता है इसमें, 249 cc का इंजन मिलता है हमें इसके अंदर। और जो पावर है इसका टॉर्क है वो पहले से एक बढ़ गया है, 31 PS का पावर मिल जाएगा इसमें हमें, और 25 Nm का टॉर्क मिलेगा, जबकि पहले 24 का ही मिलता था। यहाँ पे देखिए यहाँ से कूलेंट ऐड करेंगे हम। सस्पेंशन हमें पीछे का भी उसी तरह का मिल जाएगा इसमें, लेकिन एडजस्टमेंट का ऑप्शन पीछे भी हमें इसमें नहीं मिलता है। एग्जॉस्ट आपको जब आप गाड़ी ले गए तो वहाँ से लग के मिल जाएगा, इसके ऑप्शंस आपको कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप जैसा चाहिए। रियर डिस्क 150 का टायर प्रोफाइल पीछे भी मिल जाएगा हमें। यहाँ पे पीछे देखिए इस तरह का LED लाइट इसमें मिल जाता है। पिलियन सीट, ड्राइवर की सीट सब में उसे थोड़ा इसका कुशन में मुझे फ़र्क लग रहा है, पर बाकी साइड का जो टेक्सचर है वो सेम है। यहाँ देखिए इसके टैंक, इसमें भी हमें टैंक से इंटीग्रेटेड यहाँ पे ये मिल जाता है की के लिए स्विच, इधर इंजन क्लियर बटन मिल जाएगा। ये देखिए इसके मिरर्स, इसी तरह के मिरर हमें 390 में भी लग के मिल जाएंगे। इसमें जो डिस्प्ले है वो हमें TFT डिस्प्ले नहीं मिलता है, LCD डिस्प्ले मिलेगा नॉर्मल, लेकिन फीचर्स इसमें भी बहुत सारे आते हैं। मैं इधर से आता हूँ, यहाँ पे देखिए चार्जिंग का सॉकेट इसमें भी हमें मिल रहा है, यहाँ पे इसमें कवर मिल जाएगा। ये हमारे MID के कंट्रोल्स उसी तरह के जैसे हम 390 में देखे थे, सब हमें इसमें कंट्रोल मिल जाते हैं, लेकिन ब्रेक और क्लच का जो मैं एडजस्टमेंट बताया था वो इसमें हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है 250 के अंदर। ये देखिए ये 250 में दूसरा कलर बता रहा हूँ आपको, इसमें हमें यहाँ पे जो पैनल्स हैं
ये ऑरेंज मिल जाएगी, और जो फ्यूल टैंक है उसका कलर हमें थोड़ा ग्रे टाइप आ जाएगा इसके अंदर। ये भी कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो भी कलर अच्छा लग रहा है, और वो ब्लू कलर मुझे 390 का जो है वो बहुत पसंद आ रहा है इसमें। और यहाँ पे हमें जो अलॉय व्हील्स है इसमें वो ब्लैक कलर के आ जाते हैं, नीचे भी पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट हमें इसमें मिल जाता है। और जो 250 है इसमें एक बात यह है कि जो चेसी है इसका वो ब्लैक कलर का आता है, जबकि हम 390 में देखे हैं कि जो चेसी है वो पूरा ऑरेंज कलर में आ रहा है। तो 390 और 250 हम देख चुके हैं। अभी ये देखिए आप, इसमें जो ड्यूक में 200 आता है, इसमें कोई न्यू तो नहीं आया है, लेकिन जो इसमें पहले का ही है उसके कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ। इसमें देखिए हमें यहाँ पे LED DRL मिल जाता है, जो हमें 250 में भी नहीं मिल रहा है वो हमें 200 में KTM देता है। यहाँ पे हमें LED DRL मिल जाता है, बाकी सब इसमें डुअल चैनल ABS आएगा। इंजन की कॉन्फ़िगरेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका फ्यूल टैंक ब्लैक कलर में आएगा, पूरा ग्लॉसी ब्लैक थोड़ा इसमें फिनिश है। और इसमें हमें डिस्प्ले जो है ये इस टाइप का मिलता है बेसिक, लेकिन इसमें भी हमें काफ़ी सेटिंग्स मिल जाती है इसकी। इसकी सीट्स देखिए, और यहाँ पे जो मैं आपको पहले बताया था कि KTM में यहाँ पे सीट के नीचे डायरेक्ट जैसे आता था कोई ऐसा काउल नहीं आता था, जो हमें न्यू उधर देख सकते हैं आप 250 में दिख रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट जैसे इसके नीचे आता है, और जो इसका रियर शॉकअप है, सस्पेंशन है, वो सेंटर में आता है। 200 में भी हमें रेडिएटर मिल जाता है, ऑयल कूल इंजन मिलेगा, और इसका जो कूलेंट है उसे आपको यहाँ से डालना है। यहाँ पीछे इसमें KTM की बैजिंग मिल जाती है हमें, और इसके ग्रैब हैंडल्स देखिए पीछे के थोड़े अलग है जो हम उसमें देखे थे अभी हमारे 390 और 250 में उनसे। यहाँ पे भी हमें LED लाइट मिल जाएगा, KTM में आपको LED का ही ट्रीटमेंट मिलेगा ज़्यादा, हेलोजन लाइट्स को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है अब। तो दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल्स ड्यूक 250 और ड्यूक 390 का जो न्यू मॉडल्स आए हैं उनके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको KTM की कोई भी गाड़ी देखना है तो डीलरशिप की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप यहाँ विजिट करके KTM की हर गाड़ी देख सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल का नाम ही नहीं यहाँ आके बताएंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।